राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम में भी तेजी दिखानी शुरू कर दी है और इसी को लेकर टोंक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने आधिकारिक घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपना नेटवर्क तेजी से फैलाते हुए अब तक प्रदेश में करीब 80,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना सदस्य बनाया है। पार्टी लोगों को तेजी से अपने साथ जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने टोंक के हालातों को लेकर भी विधायक सचिन पायलट पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि पायलट के अब तक 4 साल के कार्यकाल में टोंक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पार्टी पूरी ताकत से मेहनत कर रही है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही है और आने वाले 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। टोंक चुनने का मकसद यही था कि यहाँ के पूर्व राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, क्योंकि यहाँ से MLA ऑलरेडी हैं और यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग बात करते हैं या एजुकेशन की हम बात करते हैं या हेल्थ की हम बात करते हैं, तो उनके होते हुए भी अगर ये हालात यहाँ पर हैं प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है कांग्रेस से, BJP से ऑलरेडी त्रस्त थी। दलित बच्चे के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है? राजस्थान में आपके